शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ ये गलत है। अबे यही सही है, इसमें अगर माल होगा ना मैं पिक्चर बनाऊंगा और तुम सबको लूंगा उसमें। यार खुलने तो दे, रुक जाओ बेटे, इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग तो मैं तो यूं ही देख रहा था कि मैं बताता हूं इसमें क्या है। ये तेरा कंपास बॉक्स, तू 6 साल का था तब तूने जिद की थी, और ये देख गन दिवाली के लिए, पूरे घर में से धाए धाए करके घूमता रहता था तू। और ये तेरी गाड़ी, इसे लेकर पूरे आंगन में घूमता रहता था तू, दिन भर खेलता रहता था इसे। ये क्या दादाजी? अस्थियां। किसकी? समीर की। मेरा पोता अमेरिका में पैदा हुआ था, हम उसे मिलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमारी आंखें चली गई, तो मैंने हिम्मत करके मेरे बेटे को हमारे एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया, उसे रहा ना गया और वो मेरी बहू और पोते के साथ यहाँ आने के लिए निकल पड़ा। वो गाड़ी से एयरपोर्ट आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं बचा। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, कोई नहीं। ये बात मैं मंगला को नहीं बता सकता था, वरना वो मर जाती। ये सदमा सिर्फ मुझे ही बर्दाश्त करना था। मेरे एक कमिश्नर दोस्त ने अमेरिका जाने का मेरा अलग से इंतजाम कर दिया, और वहां जाकर मैंने अपने इन्हीं हाथों से मेरे पूरे वंश का अंतिम संस्कार किया। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मंगला ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि कैसा है हमारा पोता, कितना बड़ा हो गया है, बात करता है कि नहीं करता, और आपने मेरे बारे में बताया कि नहीं, क्या बताता, क्या कहता। सच बताने की हिम्मत नहीं थी मुझे, हर रोज सोचता था कि आज बताऊंगा, आज बताऊंगा। फिर जिस दिन मैंने तय किया, भगवान ने तुम्हें समीर बना के भेज दिया, लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि तुम एक नहीं दो हो, और धीरे धीरे समझ में आया कि दो नहीं 4 हैं। और मुझे तुम्हारी इस झूठ से कोई एतराज नहीं था सच, क्योंकि मंगला बहुत खुश थी, बहुत खुश। लेकिन अभी अगर आप चले गए तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी, टूट जाएगी बेचारी, सच कहता हूं। टूटने के लिए अब बचा ही क्या है, आओ, इतना बड़ा धोखा, हाँ? ये लोग
जो भी है ये लोग, इनसे मैं नाराज नहीं हूँ क्योंकि ये पराए थे, लेकिन आप, आपने मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार भी नसीब होने नहीं दिया। मैं चाहती थी समीर को आखिरी बारी सही अपने कलेजे से लगाती, अपने गोदी में लिटाती। तुम लोग कौन हो? तुम लोग किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया तुम लोगों को एक एक बुड्ढा बुड्ढी के जज्बातों के साथ खेलने का? हाँ, बहुत बड़ा पाप किया है तुम लोगों ने, इतना बड़ा पाप जिसकी सजा इस दुनिया में नहीं। ये सब मेरा किया करा है, इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं, सिर्फ मैं हूं। ये मेरी गलती समझो या नादानी कि मैं यहां आया, लेकिन इससे बड़ी गलती तो यह है कि जो प्यार परिवार मैं जिंदगी पर ढूंढता रहा, जब वो मुझे आप लोगों से मिला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया और आप लोगों का दिल दुखा दिया। आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। I love this बुड्ढा, बहुत हेल्प किया चश्मा लगा के अंकल ने अपुन का। अब कलश दे दो वरना एक एक को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। कलश क्यों? कैसा? एक मौका दीजिए प्राश्चित का, भरोसा कीजिए हम पे। लक्ष्मण दादाजी आइए, आइए दादी जी आइए, इस तरफ दादी जी आइए आइए। ये अच्छा किया अंकल को अंदर भेज दिया। क्या चाहिए? कलश, कलश ये। लो बस, ये वही चारों जने हैं जिन्होंने मुझे 3 बार मारा था। इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, ये कहीं और से तो पिट के नहीं आ गया? नहीं, आपकी कसम बबली भाई। बबली कौन? ये इमेजिन शोले में गब्बर सिंह का नाम स्वीटी। फायर, डोंट फायर। मैंने सब सुन लिया है, समीर की अस्थियों की कसम, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्टी बदल लिया साला। फायर! फायर! गोली लाना भूल गए? हाँ? गोली लाना भूल गए? अबे गोली घर पे है तो इससे क्या हॉकी खेलोगे? मारो जाके! अबे देख क्या रहे हो, ऊपर जाओ। स्विच ऑन करो। बना
भाई साहब। हम लड़ क्यों रहे हैं? अस्थियों में तो आपको इंटरेस्ट है नहीं, मटका चाहिए क्या? क्यों? देख तेरे मेरे बीच की बात है। आइए सर। एक्सक्यूज मी सर, यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर। हीरे 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 राष्ट्रीय कवर बॉय। अपन अपन अरे ये क्या किया? मांगा तो दिया। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत दौड़ा है तूने। अरे क्यों मेरा कैरियर बर्बाद करने में तुला है भाई? कोई पूछता नहीं मेरे गैरेज को, बीवी ने मायके से आने से मना कर दिया भाई। प्लीज मेरा पैसा वापस कर दे प्लीज। आई एम वेरी सॉरी यार, मैं पता है कड़कती धूप में नंगे पांव तुम्हारे पैसे लेके आया था तुम्हें देने के लिए, और पता है क्या हुआ? क्या? इसने चोरी कर लिए। अच्छा, ओए बच्चे के पैसे वापस कर सीधी तरह से। मैंने कब पैसे दिए? मैं तो नहीं मिला। और टंकी नहीं, पैसा वापस कर बच्चे का। अबे तू कौन है लैंडलॉर्ड? बता इसको। देखिए ये मिस्टर वसूली है और ये मिस्टर बबली। बबली बबली अगले साल इनसे राखी बंधवाएंगे। बबली बबली मिले नहीं। दादाजी बबलू भाई, बबलू भाई कुकरी निकलती नहीं, निकलती नहीं, वो निकलती नहीं, निकलती नहीं। गोपाल क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी। Everything is all right now. आइए कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, मैं जानता हूं इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो कुछ किया है उसे देखते हुए ये चारों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? हाँ, तुम चार आज से इस अंधे माँ बाप के श्रवण बन के रहोगे। और नदीम भी। नदीम भी। काई काई? तुम्हें तुम लोगों का इनाम 15 दिनों में मिल जाएगा। इनाम? किस लिए इनाम? इनाम इसलिए कि तुमने एक खतरनाक गैंगस्टर और हीरे दोनों को पकड़वाया है, इसलिए उसका 10% तुम्हें जरूर मिलेगा। कमाल है, मेरे पैसे। चा अमीर आदमी देखा हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। गेट आउट। नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादाजी। अस्पताल में भी आचार लेने आ गई। हाँ दादाजी, आप भी ना। अगर ये बता, इन चारों बदमाशों में से तूने किस बदमाश को चुना है? अरे मैं यहाँ हूँ, कहाँ जा रही है? आई डोंट माइंड। लकी को। डॉक्टर। अरे लेकिन ये तो बोल नहीं सकता है। या ओ नहीं, मुझे पता है कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा ही पति चाहिए था जो सिर्फ मेरी सुने और खुद चुप रहे। एक्सक्यूज मी आपकी कोई बहन वहन है? हाँ है ना, लेकिन सिर्फ 7 साल की। क्यों? बहुत वेट करना पड़ेगा। बहुत वेट करना।